तो अगर आप टाटा मोटर्स की जून 2022 की सेल्स देखो तो वो थी कुछ 45,000 के आसपास, जो कि किया और टोयोटा जैसे ब्रांड से कई ज्यादा है। और वहीं आप जून 2022 में उनकी नेक्सॉन की सेल्स देखो तो वो थी कुछ 14,000 के आसपास, जिसकी वजह से इसने क्रेटा, सेल्टोस, वेन्यू और सोनेट जैसी कई गाड़ियों को पानी पिला दिया। लेकिन क्या टाटा की हालत हमेशा से इतनी अच्छी थी और कैसे उनकी इस गाड़ी को यूके जैसे कंट्रीज में काफी क्रिटिसाइज किया गया, तो इस पूरी चीज को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा हिस्ट्री में। तो टाटा मोटर्स की पैसेंजर व्हीकल मार्केट में एंट्री होती है 1988 में, और इसके बाद 1991 में टाटा अपनी पहली गाड़ी लॉन्च करते हैं जो कि थी टाटा की सियरा। और इस गाड़ी का प्लेटफॉर्म सेम टाटा की मोबाइल वाला था जो कि टाटा का ही एक पिकअप ट्रक था, और ये फर्स्ट ऑफ रोड एसयूवी थी जिसे किसी इंडियन कंपनी ने बनाया था। और इस गाड़ी की यूएसपी ये थी कि इस गाड़ी में आपको उस टाइम के हिसाब से काफ़ी एडवांस फीचर्स मिल जाते थे, जैसे कि इलेक्ट्रिक पावर विंडो, एसी, टेकोमीटर और एडजस्टेबल स्टेयरिंग व्हील। इसके बाद 1992 में टाटा अपनी स्टेट को लॉन्च करते हैं जो कि एक स्टेशन वैगन थी, और इसकी वजह से पीछे से काफ़ी बड़ी थी। और इस गाड़ी को देख के भाई ऐसा लगता था कि इसको किसी ने पीछे से बहुत ज़्यादा ही पकड़ के खींच दिया है। उसके बाद 1994 में टाटा अपनी सुमो और 1998 में अपने सफारी को लॉन्च करते हैं। और अभी मैंने आपको जितनी भी गाड़ियां बताई उनमें से सबसे फ्लॉप गाड़ियों की बात करें तो वो थी स्टेट और सफारी पेट्रोल। सफारी का पेट्रोल इंजन वाला वर्जन इसलिए फ्लॉप रहा क्योंकि इसमें आपको काफ़ी कम माइलेज मिलती थी, और उस टाइम पे इंडियंस के लिए माइलेज एक काफ़ी बड़ा कंसर्न हुआ करता था, इसलिए लोगों ने इस गाड़ी को एकदम अवॉइड ही करा। और उसी साल 1998 में टाटा अपनी इंडिका लॉन्च करते हैं जो कि फुल्ली इंडिजिनस पैसेंजर कार थी, और शुरुआत में तो इस गाड़ी ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करा था और काफ़ी अच्छी खासी सेल्स हो जाया करती थी इस गाड़ी की। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया इसकी सेल्स घटना शुरू हो गई, क्योंकि उस टाइम इस सेगमेंट में काफ़ी गाड़ियाँ आ गई थी जैसे कि स्विफ्ट, वैगनार और ऑल्टो, जो कि लुक्स में और फीचर्स में इस गाड़ी से काफ़ी आगे थे। इसलिए भाई फाइनली टाटा को 2018 में इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। और टाटा इस गाड़ी को 2004 में यूके जैसी कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट किया करते थे, जहां पर एमजी रोवर नाम की कंपनी ने टाटा के साथ डील की थी जिसमें वो उनकी इंडिका को यूके में सिटी रोवर के नाम से बेचेंगे, जिसके लिए उन्होंने उस गाड़ी में थोड़ी बहुत चेंज की, जैसे टाटा के लोगों को हटा के एमजी रोवर का लोगो लगाया, ग्रिल में थोड़ा बहुत चेंज करते थे और सस्पेंशन में थोड़ा बहुत चेंज करके यूके की मार्केट में बेचते थे। लेकिन भाई इस गाड़ी का स्टार्टिंग प्राइस इतना ज़्यादा था कि भाई ये यूके की मार्केट में भी पूरी तरह से पिट गई, और जो भी इस गाड़ी को देखता था इसकी बुराई ही करता था। और उस टाइम पे एक शो भी आया करता था टॉप गियर, जिसमें इस गाड़ी को बुरी तरह से बेइज्जत करने के लिए भाई इसके ऊपर बड़ा सा मॉन्स्टर ट्रक चढ़ा दिया। और सबसे पहले आप वीडियो देखो। उस टाइम काफ़ी आर्टिकल्स और मैगजीन्स ने भाई इस गाड़ी को टॉप 10 वर्स्ट कार्स की लिस्ट में भी रखा था, और इतनी बेइज्जती सहने के बाद एमजी रोवर ने भी भाई इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन टाटा मोटर्स का जो असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो होता है 2016 में, जब टाटा इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी इम्पैक्ट डिज़ाइन फिलॉसफी, जिसमें उस टाइम पर टाटा के जो ऑटोमोटिव डिज़ाइनर थे वो थे प्रताप बोस, जिन्होंने एक से बढ़कर एक गाड़ियाँ डिज़ाइन करी टाटा के लिए। और आपको बता दूँ कि टाटा की टिगोर, टियागो, नेक्सॉन, हैरियर और सफारी जैसी गाड़ियों को भी इन्होंने ही डिजाइन किया है, जो कि इंडियन कार मार्केट में आज काफी बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं। और आज आप देखो तो टाटा मोटर्स इंडिया के लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर में से एक हैं। तो भाई यही था आज की वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।